हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे विल सी द वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कुछ अप्रोचेस हैं। ऐसा कहा जाता है कि मैनेजमेंट जो है एज एन एक्टिविटी है, देन इट इज ऑल्सो सेड मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस और अ फंक्शन। सम सजेस्ट दैट मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन। ऐसा कहा जाता है कि मैनेजमेंट जो है एक डिसिप्लिन है, एक स्ट्रीम है। जैसे प्रोफेशन होता है वैसा ही मैनेजमेंट है। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है मॉडर्न अप्रोच है। सो लेट अस सी वन बाय वन व्हाई, व्हाट डज दिस मीन एंड मेक अवर ओपिनियन अकॉर्डिंगली। कि ऐसा क्यों कहा गया है, हम समझते हैं कि मैनेजमेंट की वेरियस अप्रोचेस क्या सजेस्ट करती हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। सो वी विल बिगिन विद फर्स्ट मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। व्हाट डज मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी? इट इज इंटरपर्सनल रोल। मैनेजमेंट को एक्टिविटी क्यों कहा गया है? बिकॉज इट प्लेज इंटरपर्सनल रोल। व्हाट डज दिस मीन? इंटरपर्सनल रोल का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट डज नॉट परफॉर्म इटसेल्फ, इट क्रिएट्स सूटेबल एनवायरनमेंट टू अदर्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड टास्क। मैनेजमेंट जो है खुद कुछ नहीं परफॉर्म करता है, मैनेजमेंट जो है दूसरों से परफॉर्म करता है। ये हमने उसके मीनिंग में भी देखा था। सेम वही चीज है, मैनेजमेंट डज नॉट परफॉर्म इटसेल्फ, बट मैनेजमेंट क्या करता है, हमें एक प्लेटफॉर्म देता है, ऐसा एनवायरनमेंट देता है दूसरों को काम करने के लिए। ओके, सो मैनेजमेंट डज नॉट परफॉर्म इटसेल्फ, इट क्रिएट्स सूटेबल एनवायरनमेंट टू अदर्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड टास्क। ओके, नाउ मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी। इट इज ऑल्सो सेट मैनेजमेंट प्लेज डिसीजन मेकिंग रोल। डिसीजन मेकिंग रोल किस तरीके से? It makes decision regarding the proper utilization and control of resources. Management को decision making process भी कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि management किस तरीके के decisions ले सकता है, इसकी resources को किस proper utilization करना है, उसका control करना है, if it is over utilized or it is under utilized, है ना? Management का काम ही रहता है that there should be एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस इन अ बैलेंस्ड वे। ठीक है, ना तो अंडर यूटिलाइजेशन होना चाहिए और ना ही ओवर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सो मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी में हमने दो पॉइंट्स देखे। इंटरपर्सनल रोल, की मैनेजमेंट खुद परफॉर्म नहीं करता है, जो कि हमने उसके मीनिंग में भी देखा था। इट क्रिएट्स अ सूटेबल एनवायरमेंट फॉर अस। ओके, एंड अदर इज डिसीजन मेकिंग रोल। नेक्स्ट, मैनेजमेंट plays an informative role. Okay, what kind of informative role? To get knowledge of internal and external environment, management collects information from various sources. It makes policy and plan accordingly. Management informative role भी play करता है, informations provide करता है internal and external environment के बारे में, organization के internally क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और बाहर क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये मैनेजमेंट का काम होता है, और उसी के बेस पे जो है प्लानिंग एंड पॉलिसीज जो है वो बनती है। सो मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी में हमारे तीन पॉइंट्स हैं। इंटरपर्सनल रोल, दैट मैनेजमेंट कुड नॉट परफॉर्म इटसेल्फ, इट मेक्स सुटेबल एनवायरमेंट फॉर अदर्स टू अचीव दैट गोल। ओके, डिसीजन मेकिंग रोल एंड मैनेजमेंट परफॉर्म इंफॉर्मेटिव रोल, इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ठीक है, अब मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस और फंक्शन। ऐसा कहा गया है मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है या फंक्शन है। हमने इसके मीनिंग में भी देखा था कि हमें कोई ऑब्जेक्टिव अगर अचीव करना है, देन इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट हमें स्टेप बाय स्टेप उसके अकॉर्डिंगली जाना रहता है। लेट्स सी मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। Management as a process includes planning, organizing, staffing, directing, controlling the activities to achieve goals of organization. Management को process क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है because management में steps हैं जिसके accordingly अगर हम जाते हैं then definitely we will achieve our goal in a proper way. Then management includes planning. सबसे पहले अगर हमारा कोई goal है, then we have to plan for it. Okay? Then we have to organize the resources, whether it is physical resources or any other financial resources. Okay? And we have to make use of it. Staffing,
रिक्रूटिंग द persons टू whom वी हैव टू वर्क विद, जिनसे हमें काम करवाना है. ओके, वी हैव टू रिक्रूट दैट, दैट मीन्स स्टाफिंग. डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग द persons हु आर वर्किंग फॉर अस. ओके, उनको मोटिवेट करना. मैनेजमेंट एक तरीके से टॉप लेवल एक्टिविटी होती है जो दूसरों से काम करवाती है या कंडक्ट करती है. ओके, कंट्रोलिंग ओवर द एक्टिविटीज. कंट्रोलिंग इट मींस कंपेयरिंग ओवर द एक्टिविटीज एंड कंट्रोलिंग ओवर द एक्टिविटीज. सपोज कुछ अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का या ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, तो उस चीज को कंट्रोल करना ये किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड मैनेजमेंट इज एज अ प्रोसेस और मैनेजमेंट जो है एक फंक्शन है. ओके, नाउ वी विल सी मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन. मैनेजमेंट को डिसिप्लिन क्यों कहा गया है? जैसे एक प्रोफेशन डिसिप्लिन होता है, वैसे ही मैनेजमेंट को डिसिप्लिन कहा गया है. वैसे ही जो एक प्रोफेशन की क्वालिटीज रहती हैं या फीचर्स रहते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के फीचर्स होते हैं. इसलिए मैनेजमेंट को भी डिसिप्लिन कहा गया है. एज इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. मैनेजमेंट को क्या रिक्वायर्ड है इस मैनेजमेंट के लिए? स्पेशलाइज्ड नॉलेज. अगर हमारे पास नॉलेज ही नहीं है कि हमें ये काम करवाना है, देन हाउ वी विल मेक इट परफॉर्म टू मेक फॉर अदर्स, दूसरों से किस तरीके से करवाएंगे? ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सेम ऐसा प्रोफेशन में रिक्वायर्ड रहता है. इफ यू आर अ डॉक्टर, देन डेफिनेटली यू वुड हैव द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम और अ डिसिप्लिन. ओके, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैनेजमेंट के लिए जो है, एक्सपर्टाइज होने के लिए उसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं, और उसके बाद जो है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहती है, दे सेलेक्ट द कैंडिडेट फ्रॉम देयर. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. द एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड एज इन द प्रोफेशन. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, इफ यू आर क्वालिफाइंग दैट पर्टिकुलर एग्जाम, देन ओनली यू बिकम दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन. यू आर इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन. एज चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, व्हेन यू विल क्वालिफाई योर एग्जाम व्हिच इज कंडक्टेड बाय इट्स रेगुलेटर ICAI, तभी आप उसमें एंटर हो सकते हैं. रेस्ट्रिक्टेड, हर कोई नहीं जा सकता है. सेम ऐसा मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. यू शुड पोसेस अ गुड नॉलेज ओवर दिस एक्टिविटी. यूज ऑफ एक्सपर्टाइज. एक्सपर्टाइज का यूज होना चाहिए. आपके पास उस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए. अगर हमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं, देन चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, एक सीए के पास, उसको अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए. जो वो काम कर रहा है उसमें वो एक्सपर्ट होना चाहिए. ओके, कोड ऑफ कंडक्ट. इट मींस जिस पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप हैं, डिसिप्लिन में आप हैं, वहां का जो भी रेगुलेटर है, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट. एज वी हैड ऑलरेडी टेकन द एग्जाम्पल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कौन रेगुलेट करता है या उनकी रेगुलेटरी बॉडी कौन है? ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. इनके जो भी rules and regulation है, अगर आप CA बनते हैं, then you have to follow their code of conduct. Okay? So that's why it is said management as a discipline. Okay? Next it is said modern approach of management. Management की modern approach क्या बोलती है management के लिए? Okay? The modern approach believes without skills and efforts of employees, no production or distribution of goods is possible. Modern approach ये suggest करती है कि employees की skills and efforts के बिना जो है काम करना, जो है production, good production and distribution is not possible. ना ही हमें production होगा और ना ही distribution होगा. यही हमने management के meaning में भी देखा था कि management जो है बिना लोगों के काम नहीं हो सकता. Management is just a top level function who performs others to make task done. Okay, it is a social process. Management ko social process isliye kaha gaya hai because it includes various sources of society. Okay, management is an integral part of society. That's why it is a social process. Employees jo hai ek one of the important part hai. That's why it is a social process. So it is being said, isliye bhi kaha gaya hai, it is art of getting things done. Management ko isliye bhi kaha gaya, management jo hai ek art hai cheezon ko karwane ka. Okay, now let us conclude what we have learned. Management as an activity padha tha humne.
that performs interpersonal role, decision making role, and informative role. Okay, as a process, we have seen management includes planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Then management as a discipline has the same qualities as a profession. It requires a specialized knowledge, practical training, restricted entry, use of expertise, and code of conduct. Okay, what does the modern approach suggest? That it is a social process, because bina employees ke ya bina logo ke aap kaam nahi kar sakte. Okay, so without employees efforts no production or distribution is possible. Aur isliye bhi kaha gaya hai, it is art of getting things done by others. So this is just the summary jo aaj humne padha hai. Just revise it, and I think you understood. If you have any doubt, kindly suggest in the comment box. You can ask me. So thank you for the session.